हे गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉगीज बार्क। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डॉगीज बार्क में फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है डॉग शो। आप अपने डॉग को अपने डॉग शो के लिए कैसे तैयार करेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसका गाइड मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो वीडियो है डॉग शो प्रेप एंड गाइड, तो इसको पांच टॉपिक में बांटा है, ठीक है फ्रेंड। और यही पांच जो टॉपिक है तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा फ्रेंड। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपका डॉग डॉग शो के लिए एलिजिबल है या नहीं, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपका डॉग जो है KCI रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका डॉग डॉग शो के लिए एलिजिबल नहीं है फ्रेंड। आपके पास KCI पेपर प्लस माइक्रोचिप जो होना चाहिए फ्रेंड, नहीं तो आपका डॉग डॉग शो के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड। और अगर आपका डॉग नॉन KCI है और आप डॉग शो करवाना चाहते हैं, और आप क्योंकि आपका जो डॉग बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है तो जहाँ पर शो लगता है तो आप वहाँ पर जाइए। अभी जो KCI के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके डॉग को रजिस्टर करवा देंगे थोड़ा पैसा लेके, पर वो लीगल है, ठीक है फ्रेंड। आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, KCI जो केन क्लब ऑफ इंडिया है उसको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, पर आपका डॉग का जो पेपर आ जाएगा और आप शो में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो पेपर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे इंडिया में जो मेन डॉग शो होते हैं वो KCI ही करवाते हैं, और कुछ दूसरे फेडरेशन भी हैं तो उनके लिए आपको पेपर का होना ज़रूरत नहीं है। पर अगर जो KCI के जो डॉग शो होते हैं उनके लिए KCI पेपर विथ माइक्रोचिप, जो माइक्रोचिप जो होता है वो बचपन में ही आपके डॉग में इंसर्ट किया जाता है, वो होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो सेकंड जो चीज़ है ट्रेनिंग, ये बहुत ही अहम हिस्सा है डॉग शो को जीतने के लिए। तो ट्रेनिंग की बात करें तो पहला जो हमारा ट्रेनिंग आता है वो है स्टैंडिंग कॉन्स्टेंट, कि आपका जो डॉग का जो पोस्चर है देख सकते हैं फोटो में सब स्टैंड किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। एक जगह में उसका जो पोस्चर को मेनटेन करके रखना, तो ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अगर आप ट्रेनिंग घर में नहीं दे सकते तो एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो आप खुद भी ट्रेनिंग दे सकते हैं एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख के यूट्यूब या कहाँ से भी। तो स्टैंडिंग को बचपन से ही आपको सिखाना चाहिए। मैं तो अपने डॉग को बचपन से ही सिखाता हूँ कि एक अच्छे स्टैंडिंग पोस्चर कैसे मेंटेन करते हैं, वो भी एक मिनट या 30 सेकेंड से एक मिनट को लेके एकदम, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आता है हमारा रनिंग विथ साइड, आपके साइड में ही आपका डॉग जो भागेगा, ठीक है। मतलब कि डॉग शो के लिए आपको एक अलग सा लीज खरीदना पड़ेगा, चेन खरीदना पड़ेगा, वो बहुत ही पतला होगा, और उससे आपका डॉग जो है आपके साइड में दौड़ेगा, ना तो वो लीज पुल करेगा और ना तो वो इधर उधर भागेगा, आपके साइड में ही अच्छे से एकदम भागेगा। और कुछ डॉग शो में जो होते हैं कुछ जंपिंग वगैरह कुछ होते हैं, उन सब का भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं एज़ पर योर डॉग शो, पर हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा भी नहीं होते। कुछ कुछ डॉग शो में जंपिंग वगैरह सब होते हैं, और बेसिक जो ट्रेनिंग होते हैं जो सिट प्रेयर उसके बाद स्टैंड बेसिक कमांड्स जो हैं उस सब जरूर सिखाइए। तो थर्ड जो हमारा चीज़ है वो है सोशलाइजेशन बिहेवियर, कि आपका डॉग को बचपन से सोशलाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से आदमी आते हैं उनके साथ बहुत से डॉग भी आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 100-200 डॉग एक डॉग शो में आ जाते हैं, तो अगर उनको देख के आपका डॉग भौंकेगा या उछल कूद करेगा तो उससे उसका जो मार्क्स है वो जज जो है डिडक्ट कर लेंगे, तो उसका मार्क्स घट जाएगा और जीतने का जो चांस है वो भी घट जाएगा फ्रेंड। तो बचपन से सोशलाइज करके रखना है, कि मतलब कि उसको कुछ फर्क ना पड़े इतना लोग है या इतना डॉग है। तो बिहेवियर भी बहुत ही मैटर करता है डॉग शो को जीतने के लिए। फोर्थ जो हमारा जो पॉइंट है वो है ग्रूमिंग एंड क्लीननेस। तो ग्रूमिंग इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सब लोग जो क्या करते हैं ट्रेनिंग पे ही ध्यान देते हैं, ग्रूमिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, और ग्रूमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एकदम टाइम टू टाइम आपको ग्रूमिंग करके रखना है, ये नहीं कि डॉग शो के पहले दिन ग्रूमिंग कर दिया हो जाएगा, नहीं फ्रेंड। आपको डॉग शो का जो प्रिपरेशन है वो 6 मंथ या एकदम 1 ईयर तक लेना है, कि मैं अगले साल के इस महीने में डॉग शो है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, तो मुझे अभी से अपने डॉग को तैयार करना है, ठीक है फ्रेंड। अभी से आपको अपने डॉग को ट्रेनिंग देना है, अभी से अपने डॉग को सोशलाइजेशन करवाना शुरू करना है, उसको ग्रूमिंग करना है, उसका हेल्थ केयर करना है, सब कुछ करना है। तो ग्रूमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने वीक में तो एक बार, लॉन्ग कोट डॉग है तो एक दिन बाद तो आपको करवाना ही पड़ेगा, या मीडियम या शॉर्ट कोट डॉग है तो आप वीक में जरूर करवा लीजिए। उसके बाद आता है क्लीननेस, हाइजीन आपको मेंटेन करके
रखना है कि आपको अपने डॉग को गंदा नहीं रखना है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग सो के पहले दिन उसको शैम्पू से नहा दिए तो हो जाएगा फ्रेंड, अगर पूरा साल गंदे रखेंगे तो उसमें डिजीज़ होने का भी चांस रहेगा फ्रेंड। तो फिफ्थ जो हमारा जो पॉइंट है वह हेल्थ एंड वेट चेकअप। तो हेल्थ एंड वेट चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरे साल के लिए है फ्रेंड। उसका जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर, अच्छे हेल्थ मेंटेन करके रखना है फ्रेंड, और उसको वीकली एक वेट चेकअप बहुत ही जरूरी है या मंथली वेट चेकअप बहुत ही जरूरी है। वैक्सीनेशंस एंड डीवर्मिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि एकदम टाइम टू टाइम वैक्सीन देना है और डीवर्मिंग एकदम टाइम टू टाइम करना है फ्रेंड। तो और सप्लीमेंटेशन और डाइट की तो बात करें तो आपको बहुत ही एक अच्छा डाइट और सप्लीमेंट आपको देना पड़ेगा एज़ पर वेट सजेशन, ठीक है। डाइट तो आप पता ही है एक अच्छा बॉयल्ड डाइट कैसे देते हैं, और सप्लीमेंटेशन आपको वेट के सजेशन के बगैर कुछ नहीं देना है फ्रेंड। तो अगर आप एक डॉग शो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने डॉग को जरूर ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन, ग्रूमिंग, क्लीननेस ये सब आपको जरूर देना पड़ेगा, और नहीं तो आपका डॉग का जो हारने का चांस हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे उत्तर देने का जरूर कोशिश करूँगा।